दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री के मल्टी टैलेंटेड एक्टर मिथुन दा को इंडस्ट्री में उनके डांसिंग एक्टिंग के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं और उन फिल्मों के जरिए इन्होंने काफी प्रसिद्धि भी हासिल की है, जिन्होंने अपनी अधिकतर फिल्मों में जबरदस्त भूमिका निभाते हुए लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में राज किया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के डांसिंग स्टार अपनी इस पॉपुलैरिटी को 2 गुना बना सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने एक्टिंग करियर में कई ऐसे गोल्डन चांस को गंवाए हैं जिससे इनका भला ना होकर बल्कि दूसरे स्टार आज टॉप के एक्टर बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, डांसिंग स्टार मिथुन दा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई सुपरहिट फिल्मों को करने से इनकार किया था, जिसके चलते इनके द्वारा ठुकराए गए फिल्म ऑफर दूसरे एक्टर की किस्मत को बदलते हुए नजर आए और आज ये बॉलीवुड के एक जाने माने और टॉप एक्टर की लिस्ट में शुमार होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है वह एक्टर जिन्हें मिथुन दा के ठुकराए गए फिल्म ऑफर किए गए और उन फिल्मों से इन्होंने रातों रात काफी प्रसिद्धि भी हासिल की। नंबर 1, धर्मेंद्र। दोस्तों, साल 2000 में आई फिल्म मेरी जंग का ऐलान तो आपने जरूर देखा ही होगा, जिस फिल्म में धर्मेंद्र यानी बॉलीवुड के ही मैन नजर आए थे और इस फिल्म में उनके द्वारा किए गए अभिनय को दर्शकों द्वारा काफी पसंद भी किया गया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये फिल्म पहले मिथुन दा को ऑफर की गई थी, जहां मिथुन दा को फिल्म का कैरेक्टर पसंद नहीं आया, इसी वजह से इन्होंने इस फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया और इनके मना करने के बाद ये फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को ऑफर की गई, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से इस फिल्म में काफी वाहवाही लूटी और फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। नंबर 2, अमिताभ बच्चन। दोस्तों, बॉलीवुड के महानायक वैसे तो हर पल में फिट हो जाते हैं, लेकिन साल 1985 में आई फिल्म मर्द ने तो हर तरफ ही वाहवाही लूटी, जहां आज भी लोग इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं। लेकिन आपको जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि इस फिल्म में मेन एक्टर के तौर पर अमिताभ बच्चन की जगह बॉलीवुड के डांसिंग स्टार मिथुन दा को अप्रोच किया गया था, लेकिन इससे पहले मिथुन दा ने प्यार झुकता नहीं और दिलवाला जैसी फिल्म को साइन कर लिया था, जिसकी वजह से इन्हें राजू सिंह टांगे वाला जैसी जबरदस्त किरदार से अपना हाथ धोना पड़ा था, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने अपने इस किरदार के जरिए फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में अपना एक अलग नाम हासिल किया। नंबर 3, अनिल कपूर। साल 1997 में आई फिल्म जुदाई तो आपको ज़रूर याद होगी, जिसमें अनिल कपूर, उर्मिला मातोंडकर और श्रीदेवी ने अपने अभिनय से काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की थी। लेकिन आपको बता दें, फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर इस फिल्म में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को कास्ट किया गया था, लेकिन उस वक्त मिथुन दा किसी और शेड्यूल की सिचुएशन फेस कर रहे थे। दरअसल उस वक्त एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग में बिजी थे, जिनमें शपथ, कालिया और जीवन युद्ध जैसी फिल्में शामिल है, जिसमें मिथुन दा ने दमदार अभिनय प्रदर्शन से हर किसी को अपना दीवाना बनाया है। यही वजह थी कि इन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। नंबर 4, सनी देओल। साल 1996 में बड़े पर्दे पर प्रसारित की गई फिल्म जीत भी उन्हीं फिल्मों में से एक है, जिसमें फिल्ममेकर्स की पहली पसंद अभिनेता मिथुन दा रहे थे। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म को साइन कर चुके थे, लेकिन एंड मौके पर इन्होंने फिल्म की कहानी को इंटरेस्टिंग न बनाते हुए फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया था। नंबर 5, गोविंदा। बॉलीवुड के चुलबुले एक्टर कहे जाने वाले अभिनेता गोविंदा एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में लगभग अधिकतर फिल्में हिट ही दी हैं, जिन्हें उनकी एक्टिंग और डांसिंग के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन आपको बता दें, साल 1994 में आई फिल्म खुददार वह फिल्म है जिसे पहले मिथुन चक्रवर्ती को ऑफर किया गया था, लेकिन उस वक्त जब फिल्म के निर्माता और निर्देशकों ने मिथुन दा को फिल्म की कहानी सुनाई तो मिथुन दा ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कहानी इंटरेस्टिंग नहीं लगी, आप किसी और एक्टर को देखें, जिसके बाद यह फिल्म गोविंदा को ऑफर की गई और इस फिल्म में गोविंदा ने दमदार एक्शन और एक्टिंग से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मिथुन दा को इस तरह से इन फिल्मों को ठुकराना सही था जिसे पाकर कोई और एक्टर इतना ज्यादा हिट हो गया हो? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।